आई गेस ये मेरा शॉप है और आप लोग देख सकते हैं मेरे शॉप को। मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, एक्चुअली दोस्त लोग ये देखिए, मेरा दुकान बहुत दिनों से बंद था क्योंकि मेरा हस्बैंड का बीमार चल रहा था। तो अभी भी वो बीमारी है, अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, दवाई खा रहे ठीक है, तो इसके वजह से दुकान, हम लोग का दुकान बंद था। और बहुत चीज़ें इसके वजह से दुकान में जो बिस्किटें थी वो सब ख़राब हो गया, एक्सपायरी हो गया, हम लोग को वो फेंकना पड़ा। और आज मैं बहुत दिनों के बाद दुकान खोलूँ, लगभग 15 दिन के बाद दुकान खोलूँ, और आज मैं मेरा दुकान को अभी सफ़ा करूँगी क्योंकि दुकान बहुत गंदा हुआ है, 15 दिन बंद था। सोचिए तो दुकान का हालत क्या हो सकता है, इसलिए अभी दुकान को साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं आगे आप लोग को बोलती हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोस्त, मैं दुकान साफ़ कर रही हूँ और दुकान साफ़ करते करते मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ क्योंकि बहुत साफ़ करना है, क्योंकि बहुत 15 दिन जितना दुकान बंद था तो पूरा साफ़ करना है। तो मैं साफ करते वक्त आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ट्राइपॉड ऐसा कुछ लाया नहीं है, मुझे हाथों से करना पड़ रहा है ठीक है। तो मैं हाथों से तो अभी दिखा दिखा के काम नहीं कर सकती हूँ ठीक है। एकदम पूरा सफ़ा होने के बाद मैं आपको फिर से एक बार दुकान या दिखाऊँगी ठीक है, शॉप दिखाऊँगी। तो दोस्तों उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके मैं नहाई क्योंकि मैं बहुत पसीना पसीना हो गई थी क्योंकि आज बहुत गर्मी और मतलब दुकान में इतना गंदा था कि मतलब साफ़ करते करते मैं इतना मतलब पसीना पसीना हो गई थी, मैं रह नहीं पाई, इसलिए मैंने दुकान में वीडियो शूट नहीं किया ठीक है। तो मैं सीधा आई, आके घर में नहाई, नहा के उसके बाद थोड़ा कपड़ा धोना था, कपड़ा धोई, सब दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था क्योंकि मैं मेरा बेटा को घर पे छोड़ के गई थी। तो आके मैंने खाना बनाया ठीक है, चावल और अंडा आलू का सब्जी बनाया, वो बना के उसके बाद मैंने खाना खाया ठीक है। खाना खा के रेस्ट करके अभी आप लोग के साथ वीडियो मतलब शूट करके आप लोग को दे रही हूँ ठीक है। तो दोस्तों देख लिया होगा अब लोगों ने मेरा शॉप ठीक है, और अगर और अच्छी तरह से मेरे शॉप में क्या क्या है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ठीक है, या फिर और अच्छी तरह से मेरे शॉप को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।